तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम लोग इस लेक्चर में मात्र 2 से 3 मिनट में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड के द्वारा किस तरह से सोल्व करते हैं, एक्स वाई और जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं, मात्र 2 से 3 मिनट में हम लोग सीखेंगे, 2 ऑर्डर का भी और 3 ऑर्डर का भी। तो चलते हैं, फटाक से स्टार्ट करते हैं। पहला है 2x2 का, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पहला क्या, 2x+3y = 7 एंड x+2y = 4। यहां वेरिएबल x है और y है, इसी दोनों का हम लोग का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन मेथड कौन सा है? बाय मैट्रिक्स मेथड, आबेव विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो दिया हुआ है x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, यहाँ भी x का कोफिशियंट, y का कोफिशियंट, a का मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे, और a के मैट्रिक्स के रूप में है ये 2, 3, 2, 3, 1 और 2। कोई कन्फ्यूजन? b लिखेंगे ये जो कांस्टेंट दिया हुआ है 7, 4, यहाँ 7, 7 एंड 4 लिख देंगे। x इक्वल टू जो वेरिएबल है x एंड y लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद जो फॉर्मूला लगता है इसमें, जो फॉर्मूला यूज होता हुआ है, x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a बाई a का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ a बाई a का डिटरमिनेंट। तो इसमें हम लोग 3-4 चीजें एक बार में सीखेंगे। तो सबसे पहले कि सारणी का मान, सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू, डिटरमिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं, एडजॉइंट a कैसे ज्ञात करते हैं, फिर इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और दो आवयव को गुना कैसे करते हैं। एक ही क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, यानी 4 टॉपिक एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही चैप्टर, एक ही टॉपिक में, एक क्वेश्चन में। सारणी का मान, एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स, और दो आवयव को गुना कैसे करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और भी सीख सकते हैं, सीखेंगे इसमें, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सारणी के, ये 2x2 है, इसके सारणी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ सारणी के रूप में लिखते हैं a 2, 3, 1, 2, तो 2×4 -3, क्रॉस ऐसे करते हैं 2×4 -3, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 0 के बराबर नहीं है, यदि ये 0 होता तो, यदि ये 0 होता, सारणी का मान यदि जो रह जाए, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो सारणी का मान यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है तो आगे हम लोग को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर का फॉर्मूला होता है a11, जो ये दिया हुआ है वही यहाँ लिखते हैं, -1 की पावर 1 + 1। और देखिए a11 दिया हुआ है, तो पहला रो पहला कॉलम हटा देंगे, बाकी को 2 लिख देंगे, या 2 हो गया। a12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो -1 की पावर 1 और 2 यही लिखा रहा है, 1 और 2 यहाँ आ गया, -1 की पावर 1 + 2, तो कितना हो गया, 1 + 2 = 3 हो गया। और देखिए पहला रो दूसरा कॉलम ये है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 1 आ गया, तो -1 की पावर 3 - 1 एंड 1 - 1। दूसरा रो पहला कॉलम, -1 की पावर 2 और 1 = 3। अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम कितना बचा, ये हटाए बचा कितना, 3 - 3। दूसरा रो दूसरा कॉलम, -1 की पावर 2 और 2 = 4। दूसरा रो दूसरा कॉलम बच गया कितना, 2 हो गया। ये जो हम लोग लिखे हैं 2, -1, -3 और 2, इसको एक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिए सी, मान लिए कोई 2, 2, -1, -3, 2, 2, -1, -3, 2। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है जो कोफैक्टर का, जो मैट्रिक्स बना कोफैक्टर का, ये यही है कोफैक्टर, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बना उसको हम मान लिए सी, और सी को उसी के रूप में सजा दिए। एडजॉइंट ऑफ ए कहता क्या है कि जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल ली। एक बात और सीख गए, ट्रांसपोज निकालना, ट्रांसपोज करते क्या है, रो को कॉलम में और कॉलम का रो में। ये देखिए क्या है, कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, रो को कॉलम में, 2 - 1 रो में है, कॉलम में कर दिए 2 - 1। दूसरा रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, रो को कॉलम में यदि कर दिए तो क्या होगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, एडजॉइंट इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटरमिनेंट। इनवर्स क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि फॉर्मूला ही है x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो इनवर्स इक्वल टू क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए का डिटरमिनेंट, तो 1/1, डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना था, 1 था, देखिए यहाँ से ये रख दिए। एडजॉइंट ऑफ ए ये है 2 - 3 - 1 = 2,
दो माइनस थ्री माइनस वन टू, एक्स इजकल टू क्या हो गया, फॉर्मूला पढ़े ए इनवर्स इंटू बी, तो एक्स का वैल्यू एक्स वाई, ए इनवर्स का वैल्यू ये लिख दिए और बी का वैल्यू ये लिख दिए। इसको गुना करते हैं, रो को गुना करते हैं कॉलम से, सात दूनी चौदह माइनस थ्री इंटू फोर, बारह चार थे बारह, रो को कॉलम से, फिर दूसरा रो कॉलम, माइनस वन इंटू सेवन माइनस सेवन, प्लस चार दूनी आठ हो गया, फोर्टीन माइनस ट्वेल्व टू, एट माइनस सेवन वन, एक्स वाई इधर टू वन, एक्स इक्वल टू एंड वाई इक्वल टू वन। आ गया समझ में, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये था दो ऑर्डर का, आगे बढ़ते हम लोग थ्री ऑर्डर का, ठीक है। ये क्या था, दो ऑर्डर का, आगे बढ़ते हैं थ्री ऑर्डर का, यानी थ्री क्रॉस थ्री का, एक ही लेक्चर में दोनों सीख जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस टू वाई प्लस जेड इजकल टू थ्री एंड टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड इजकल टू टेन, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इजकल टू फोर्टीन। काम वही फिर से करेंगे, a का वैल्यू वन टू वन, वन टू वन, टू वन टू, टू वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ए एक मैट्रिक्स लिख दिए, b के रूप में एट टेन फोर्टीन, एट टेन फोर्टीन, x के रूप में x y z लिख दिए। फॉर्मूला वही है, x इजकल टू a इनवर्स b, और a इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट a बाई a का डिटरमिनेंट। तो इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना जरूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट यानी ये जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हो गया वन टू वन, टू वन टू, वन टू थ्री। डिटरमिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, ये पहले वन लिए, वन लिए तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, जिस रो और जिस कॉलम में वन रहता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल, तो तीन गुने एक ऐसे क्रॉस करते हैं, तीन गुने एक तीन, माइनस कितना चार, तीन माइनस चार, बीच में माइनस टू लेते हैं, माइनस टू इंटू ये रो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, छः माइनस कितना दो, छः माइनस दो, माइनस टू इंटू छः माइनस दो। उसके बाद वन ये अगर लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, देखिए ये और ये कैंसिल, तो चार माइनस एक, चार माइनस एक, ठीक है। अब देखिए तीन माइनस एक चार, माइनस वन, छः में से दो जगह चार, चार दूनी आठ माइनस आठ, चार में से गया तीन, ये आ गया कितना माइनस सिक्स, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो के बराबर नहीं है। यदि जीरो के बराबर है नहीं है तो हम लोग वी कैन प्रोसीड, यदि जीरो आ जाता तो हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। आगे बढ़ते को फैक्टर निकालते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक उसी प्रकार सेम। ए वन वन पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो तीन माइनस चार, तीन माइनस चार, और यही पावर में लिखते हैं इसको जोड़ करके, वन प्लस वन टू माइनस वन, ठीक उसी प्रकार पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये और ये कैंसिल, छः माइनस दो, छः माइनस दो माइनस चार, वन थ्री पहला रो तीसरा कॉलम, ये कैंसिल ये कैंसिल, चार माइनस एक, चार माइनस एक, तो माइनस उनके पास चार, चार माइनस तीन हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो देखिए आ गया क्या, दूसरा रो पहला कॉलम, ये कैंसिल ये कैंसिल, छः माइनस दो, तो छः माइनस दो चार, और छः माइनस दो तो चार हुआ, लेकिन माइनस वन के पावर थ्री होगा वो माइनस वन होगा, तो माइनस वन इंटू चार माइनस फोर हो गया। अच्छा ये पावर ही है, दो और एक कितना हो गया तीन, तीन और एक चार, ये पावर जो है यही आ रहा है जो एलिमेंट लिख रहे हैं, ए टू टू, ठीक उसी प्रकार दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीन माइनस एक, तीन माइनस एक दो, अरे ये पावर चार है, इवन नंबर है पावर, तो वन होगा वन इंटू टू टू। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दो माइनस दो जीरो, ठीक हो गया। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो दो देखिए तीसरा रो पहला कॉलम दो माइनस दो, ये भी दो दो चार माइनस एक, चार माइनस एक तीन, अच्छा माइनस उनके बाद चार हो गया, तो ये भी वन होगा, चार यानी तीन एक एक तीन। थ्री रो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीन और दो पाँच, माइनस वन के पावर पाँच हो गया। ये फॉर्मूला है हमेशा माइनस वन के पावर पाँच ही लिखते हैं, ठीक है, ये को फैक्टर का फॉर्मूला है, माइनस वन के पावर पाँच, और तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, दो माइनस दो जीरो, उसके बाद तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, वन माइनस थ्री, वन तीसरा रो तीसरा कॉलम, वन माइनस फोर, वन माइनस फोर कितना माइनस थ्री आ गया। इसको को फैक्टर यानी को फैक्टर मैट्रिक्स के रूप में लिख दे रहे हैं, सी के रूप में सेम वही, माइनस वन माइनस फोर थ्री, माइनस वन माइनस फोर थ्री, माइनस फोर टू जीरो, देखिए यही लिखे माइनस फोर टू जीरो, थ्री जीरो माइनस थ्री, थ्री जीरो माइनस थ्री। एडजॉइंट ये निकालना है, क्या करते हैं हम लोग, ये को फैक्टर मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज करते हैं, यानी रो को कॉलम में, माइनस वन माइनस फोर थ्री, ये रो को लिख दिए कॉलम में, माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर थ्री,
दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इतना तक आया समझ में? नहीं समझ आया तो बाहर स्टॉप करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ए इनवर्स निकालना है तो 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/-6। याद है सबको सारणी का मान, जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आया था -6, ये एडजॉइंट ए अभी जस्ट लिखे -1 -4 3, बैक से देख सकते हैं। अभी आ गया, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का वैल्यू ये लिख दिए सेम, बी का वैल्यू 8, 10, 14 था, -1/6। ये गुना करते हैं, अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होगा। रो को गुना करते हैं कॉलम से, रो को कॉलम से, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम तो इसमें है ही नहीं है। तो पहला रो -1 × 8 -8, 10 × 4 = 40, -40 × 4 = 12, ठीक है, -4 × 8 = 32 20 and 0। उसके बाद 8 × 3 = 24, 0 × 10 = 0, -3 × 14 -42। कोई दिक्कत इसमें? एक्स वाई जेड इधर -1/6, इसको अगर ऐड करते हैं ये आ गया -6 -12 -18। -1/6 यानी 1/6 से यदि भागा देते हैं ये माइनस है तो ये आ गया 1, 2, 3। एक्स वाई वैल्यू ऑन कंपेयरिंग x = 1, y = 2 and z = 3। एक ही वीडियो में मात्र 2 से 3 यानी आपको बहुत कम समय में ये पूरा, इसमें 4 यानी इसमें कितने टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, इनवर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, सारणी का मान निकालना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज़ मैट्रिक्स, टोटल टॉपिक आ जाता है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़िए, और जो भी परेशानी होगा, कुछ भी दिक्कत है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट इन द बॉक्स। कैसा लगा वीडियो? बढ़िया लगा तो ज़रूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों से इस चैनल को सपोर्ट करें, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक बार सब्सक्राइब करें, और चलते चलते हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, एक दूसरे का दुख सुख बांटते रहे, और देखते रहे चिवर पॉइंट का जलवा। एक गाना सुने सभी लोग, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। बाकी बाय बाय, शुभ रात्रि।